नमस्ते। प्रत्येक युवा का यह सपना होता है, युवकों का, कि मेरी भुजाओं में बल हो, मेरा वक्ष स्थल एक सबल हो, मेरी जंघाएं एक सदीवी हो, मेरा पूरा शरीर एक शेप में हो, बलवान हो, भीतर से बल हो और बाहर से भी शरीर एक सधा हुआ, एक अच्छा, एक आदर्श शरीर वाला व्यक्ति मैं दिखूं। उसके लिए क्या करना? वज्र की तरह शरीर को बलवान, भीतर से बलवान बनाने पारंपरिक व्यायाम दंड बैठकों को आज हम सीखते हैं। पहले भी कई कार्यक्रमों में हमने देखा, लेकिन आज फिर देखते हैं इन दंड बैठकों को अभ्यास करने के क्या साधारण से नियम होते हैं, क्या छोटी छोटी कई बातें और ध्यान रखनी होती हैं। प्रातःकाल खाली पेट यदि हम हैं तो इसका अभ्यास ठीक ढंग से हो पाता है। सायंकाल करना है तो भोजन के 4 घंटे बाद, 3 से 4 घंटे बाद हम कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, करना चाहिए। जो लोग ब्रह्मचर्य का अच्छा कड़ा पालन करना चाहते हैं, अपने वीर्य की रक्षा करके शरीर को वास्तव में एक वज्र की भांति मजबूत बनाना चाहते हैं, उन लोगों को रात्रि को सोने से पहले भी करना चाहिए। रात्रि को सोने से पहले स्नान भी करना चाहिए, जो बलवान ब्रह्मचारी बनना रहना और बने रहना चाहते हैं। ब्रह्मचारी रहना का मतलब है वास्तव में शरीर से पवित्र, मन से पवित्र, विचारों से, बुद्धि से पवित्र, पूरा जीवन बहुत पवित्र बना करके रखें। युवक हैं, युवती हैं, अथवा युवा किसी भी आयु में हैं, पवित्र बने रहना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक कार्य होता है। तो हम सबसे पहले दंड बैठकों के अभ्यासों को देख रहे हैं, विशेषकर ये युवकों के लिए अभ्यास है। ऐसे यह विश्राम की अवस्था है, ऐसे ऐसे, और तैयारी की अवस्था कैसे होगी? तैयारी की स्थिति जो होगी उसमें पर्वत आसन ऐसे लग जाए, ऐसे, फिर विश्राम और फिर तैयारी की स्थिति सज्जा। अब हम पहला दंड लगाएंगे, श्वास पूरा भर के अंदर रोकें, एक दो तीन, श्वास बाहर छोड़ देंगे और विश्राम, विश्राम की अवस्था। इस तरह से पहला दंड हमने एक श्वास में लगाया। युवा लोग अभी के अभी इस कार्यक्रम को आप देखकर साथ ही साथ कर सकते हैं। दंड जितने लगाए बैठक हैं उसकी आधी लगानी चाहिए, ये सामान्य सा नियम है, और बलार्ध का नियम है, जितना बल आपके अंदर है उसका आधा ही हमें व्यायाम करना चाहिए। तो दंडों के अभ्यास क्रम को हम आगे देखते हैं। एक श्वास में एक से अधिक यदि दंड लगाने हैं तो हम कैसे लगाते? एक ही श्वास भर, धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में तो एक श्वास में एक, फिर दूसरी श्वास में दूसरा, तीसरे श्वास में तीसरा, ऐसे करें। और यदि सामर्थ्य बढ़ जाएगा तो हम एक श्वास में एक कई सारे दंड भी लगा सकते हैं। ऐसे श्वास भर लिया, एक श्वास में 5 दंड अभी हमने लगाए। अब हम दूसरे दंड की तरफ चलते हैं। पहला दंड का नाम है साधारण दंड, दूसरे दंड का नाम हम देखते हैं जिसका नाम है सर्प दंड। सांप से जैसे फन उठाता है, इस प्रकार से इसमें 3 बार इस तरह से उठा जाता है आगे से। कैसे होगा? पूरा बल अपने भुजाओं पर, अपने हाथों पर लगाए, उंगलियों को आप फैला करके खोल सकते हैं, ऐसे उतने ही हाथ खोले जितना आपका सीना, जितना आपका वक्षस्थल चौड़ा है। श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें, वापिस आने, श्वास छोड़ दिया जाए, अच्छा लगेगा, अच्छा दंड लग जाएगा एक ही बार। फिर करते हैं शुरुआत के लोग एक एक दो दो दंड पहले दिन करना, ऐसे नहीं कि पहले दिन ही बहुत सारे करना, दुखेगा शरीर।
ये हमारा दंड संख्या दो, जिसको हम सर्प दंड कहते हैं, वह पूरा हुआ। शुरुआत में थकान होती है तो श्वास पूरा गहरा गहरा भरो, दंड के बाद बाहर भी गहरा सा छोड़ो। तीसरा वक्ष विकासक दंड, सीने को जो चौड़ा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बलवान और आकर्षक सुंदर पुष्ट बनाना चाहते हैं, चौड़ाई सीने की बढ़ाना चाहते, वह वक्ष विकासक दंड करता है। बाकियों में भी होता है लेकिन वक्ष विकासक में हाथ इस प्रकार से रखे जाएंगे, जितना चौड़ा आपका सीना है उतना रखें। एक श्वास में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाएं, जरूरी नहीं आप हमारी तरह एक श्वास में 15 लगाएं, लेकिन जितना सामर्थ्य है उतना ही लगाएं, जबरदस्ती नहीं करना। ये 3-4 इसको हम कहते हैं वक्ष विकास। 4 नंबर दंड जिसका नाम है राम मूर्ति दंड, ये एक पहलवान भारत में हुए थे, उनके नाम से प्रसिद्ध दंड है। कैसे होगा, श्वास भर के धीरे धीरे जाए, दंड लगाए, धीरे धीरे स्लो मोशन से वापस है। कैसे, देखो श्वास पूरा भरा, अंदर रोक लिया, राम मूर्ति दंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दंडों में, सारे दंडों में महत्वपूर्ण दंड है राम मूर्ति दंड। इसको राम मूर्ति जी बहुत बहुत बार लगाया करते थे और इतने मजबूत हो गए कि सुमो पहलवान को भी एक घूंसे में मार डाला। ब्रह्मचारी थे, प्राणायाम भी करते थे, कुश्ती भी लड़ते थे और दंड बैठके भी लगाते थे। चले राम मूर्ति दंड को थोड़ा स्पीड से देखते हैं, मध्यम गति से देखते हैं। इसमें बल बहुत लगता है, सबसे ज्यादा दंडों में कब किसी में ताकत लगती है इसी में लगती है। ये पेशेंट्स के लिए नहीं है आज की अभ्यास, ध्यान रखना, कहीं आपको कोई समस्या शरीर में बहुत बड़ी हो रही हो, हार्ट की डिजीज या ब्लड प्रेशर या कुछ और बड़ी समस्या, उनको नहीं करना। ये युवा लोग जो अपने शरीर में बल अनुभव, शक्ति अनुभव करते, उनको करना। लोग कहते हैं हमारे दर्शक कि आप सारे बीमारों वाले कार्यक्रम लेके आते हो, हमारे अंदर तो बहुत ताकत है, हम कुछ बहुत ज्यादा करना चाहते हैं फिजिकल वर्कआउट, उनके लिए ये अभ्यास। अब हम हनुमान दंड का अभ्यास करते हैं। आज के सत्र में केवल दंड ही बताएंगे, बैठक के फिर हम आगे कभी बताएंगे। हनुमान दंड, श्वास पूरा भरें, 1 2 3। कैसे होगा, इस पैर को इसी साइड वाले हाथ के ठीक पास में लागे लगा देंगे नीचे, और 2 में दंड लगाए ऊपर उठे, और 3 में श्वास बाहर और वापस। इसको जल्दी जल्दी भी ऐसे कर सकते हैं। इसको हनुमान दंड कहते हैं, द्रुत गति से हुए। एक चक्र दंड, एक और बता देते हैं चक्र दंड। चक्र दंड कैसे होगा, देखो
थोड़ी सी टेक्निकल है ना, कैसे करेंगे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ऐसे एक पैर को राइट है या लेफ्ट कोई सा भी, एक पैर साइड में लिखा, ध्यान से धीरे धीरे देखिए कैसे होगा। एक इस पैर को ऐसे चक्र बनाते हुए इस हाथ के पार दूसरे हाथ के भी ऐसे पार ऐसे गोल पीछे ले जाएं और दंड लगाएं दूसरे पैर को साइड से लगा ऐसे, एक दो गोल वापस इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको द्रुत गति से करने की, मध्यम गति से करने की कोशिश करें। इसमें स्थान काफी चाहिए होता है, थोड़ा स्थान का अभाव है, कैसे करते हैं देखते हैं। इसको साइड से कर लेते चक्रदंड, चक्रदंड के इस अभ्यास को हमने किया है, सीखा समझा, अब इसको 5-7 बार कर भी लिया, 4-5 बार कर लिया। दंडों के अभ्यास के बाद अपने अपर पार्ट को, अपनी भुजाओं को, अपने कंधों को, सबको आराम आराम से धीरे धीरे सहलाएं, अपने पसीने को पोंछ डालें अच्छे प्रकार से, पूरे भुजाओं को, वक्ष स्थल, पेट, उदर, कमर, पीठ, कंधों की मांसपेशियां, पूरे शरीर को ऐसे सहलाएं। फिर जब हम बैठकों का अभ्यास सीखेंगे उसमें हम बैठकों के बाद ऐसे लोअर पार्ट के जंघाओं, पिंडलियों, पैरों आदि को ऐसे सहलाया करते हैं। दंडों के अभ्यास के बाद अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते, श्वास पूरा भरें, और अंदर रोकें, जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर अंदर रोकें, इससे भी वक्षस्थल उन्नत होता है, सबल होता है। फिर राइट बंद करके लेफ्ट से बाहर, इस तरह से इस प्राणायाम को, और एक अनुलोम विलोम का अभ्यास है ऐसे, बहुत गहरा धीरे धीरे भरना। अभी तो मैं धीरे धीरे नहीं भर रहा, लेकिन इसको शांत भाव से आराम से बैठ के या तो दंडों से पहले लगा ले या दंडों के बाद, क्योंकि दंडों के बाद श्वास थोड़ी तेज चलती है तो पहले सामान्य हो जाए, फिर इसके बाद आप शवासन में आराम भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका श्वास सामान्य हो जाएगा, गहरी गहरी श्वासें भरने छोड़ने से बिल्कुल सामान्य स्थिति बन जाएगी, फिर आप प्राणायाम करें या प्राणायाम पहले कर लें। यह अभ्यास नियमित रूप से यदि युवा लोग करेंगे, कितने दिन, रोज करना है, कितनी देर, 10-15 मिनट में सब हो जाएगा। इन 5-6 दंड बताया आपको, पहला साधारण, दूसरा सर्प, तीसरा वक्ष विकासक, चौथा राममूर्ति, पांचवा हनुमान और छठा चक्रदंड। इन 6 दंडों में से आप किसी 6 को नहीं कर पा रहे, किसी 2-3 को कर लीजिए, 10-10 बार, 5-5 बार कर लीजिए, शुरुआत तो करो, शुरू करो, योग दिवस आने वाला है और ये संदेश दे रहा है कि हम योग यानी बल से जुड़ जाएं। योग का मतलब जुड़ना भी होता है ना, युज समाधव, युज संयमने और युजिर योगी, जोड़ना का मतलब है शक्ति से जुड़ जाएं, और शक्ति युवाओं के भीतर तो बहुत होनी चाहिए, तो शक्ति का एक सुंदर सा उपाय आज हमने डिस्कस किया, देखा प्रैक्टिकल, इसका सेशन देखा, खाली थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी देखा। दंडों को करने वाला व्यक्ति पौष्टिक आहार को खाए, दूध को, घी को, सूखे मेवों को, सलाद को, इन चीज़ों को खाए, हरी सब्जियां खाए। अब वो व्यक्ति अगर सारा दिन या आए दिन अगर वो फास्ट फूड, जंक फूड खा रहा है तो दंडों को लगाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आहार पर भी हमें पवित्रता रखनी चाहिए, अच्छे विचार, अच्छी पुस्तकें और अच्छी संगति
तब तो कुछ बल काम आएगा, स्वयं के परिवार की, स्वयं की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अथवा स्वयं प्रभु दर्शन करने के लिए या बल को बढ़ाने के लिए, जो श्रेष्ठ कार्य व्यक्ति करना चाहता है उसके लिए। नहीं तो ये बल क्रोध में, अहंकार में, अन्यों पर अन्याय करने में, इसी में चला जाता है, क्योंकि पवित्र बुद्धि तो नहीं आई, सात्विक अन्न नहीं गया, तो सात्विक बुद्धि कभी जन्म नहीं लेगी। इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। आज के इस सत्र में युवाओं के लिए हमने बताया, आगे हम फिर से कल फिर मिलेंगे। तब तक आप करें योग, रहें निरोग, और इस पारंपरिक व्यायाम का अभ्यास युवा लोग जरूर करें, और जैसे करते हैं हमें बाद में अपने वीडियोस भी भेजें स्वामी न्यूज़ को, तो जिनके अच्छे अभ्यास होंगे उनको हम स्वामी न्यूज़ पर भी लाएंगे, और कितने दंड ज़्यादा लगा सकते हैं वो भी एक बार अपने सामर्थ्य को देखकर अपना वीडियो बनाकर भेजें, तो आपको इस सत्र में अवसर देंगे, युवाओं वाले सत्र में। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। प्रत्येक युवा का यह सपना होता है, युवकों का, कि मेरी भुजाओं में बल हो, मेरा वक्षस्थल एक सबल हो, मेरी जंघाएं एक सदीवी हो, मेरा पूरा शरीर एक शेप में हो, बलवान हो, भीतर से बल हो और बाहर से भी शरीर एक सधा हुआ, एक अच्छा, एक आदर्श शरीर वाला व्यक्ति मैं दिखूं। उसके लिए क्या करना है? वज्र की तरह शरीर को बलवान, भीतर से बलवान बनाने पारंपरिक व्यायाम दंड बैठकों को आज हम सीखते हैं। पहले भी कई कार्यक्रमों में हमने देखा, लेकिन आज फिर देखते हैं इन दंड बैठकों को अभ्यास करने के क्या साधारण से नियम होते हैं, क्या छोटी छोटी कई बातें और ध्यान रखनी होती हैं। प्रातःकाल खाली पेट यदि हम हैं तो इसका अभ्यास ठीक ढंग से हो पाता है। सायंकाल करना है तो भोजन के 4 घंटे बाद, 3 से 4 घंटे बाद हम कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, करना चाहिए। जो लोग ब्रह्मचर्य का अच्छा कड़ा पालन करना चाहते हैं, अपने वीर्य की रक्षा करके शरीर को वास्तव में एक वज्र की भांति मजबूत बनाना चाहते हैं, उन लोगों को रात्रि को सोने से पहले भी करना चाहिए। रात्रि को सोने से पहले स्नान भी करना चाहिए, जो बलवान ब्रह्मचारी बनना रहना और बने रहना चाहते हैं। ब्रह्मचारी रहना का मतलब है वास्तव में शरीर से पवित्र, मन से पवित्र, विचारों से, बुद्धि से पवित्र, पूरा जीवन बहुत पवित्र बना करके रखें। युवक हैं, युवती हैं, अथवा युवक किसी भी आयु में हैं, पवित्र बने रहना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक कार्य होता है। तो हम सबसे पहले दंड बैठकों के अभ्यासों को देख रहे हैं, विशेषकर ये युवकों के लिए अभ्यास है। ऐसे यह विश्राम की अवस्था है, ऐसे ऐसे, और तैयारी की अवस्था कैसे होगी? तैयारी की स्थिति जो होगी उसमें पर्वतासन ऐसे लग जाए, ऐसे, फिर विश्राम और फिर तैयारी की स्थिति सज्जा। अब हम पहला दंड लगाएंगे, श्वास पूरा भर के अंदर रुके, 1 2 3, श्वास बाहर छोड़ देंगे और विश्राम, विश्राम की अवस्था। इस तरह से पहला दंड हमने एक श्वास में लगाया। युवा लोग अभी के अभी इस कार्यक्रम को आप देखकर साथ ही साथ कर सकते हैं। दंड जितने लगाए बैठक है उसकी आधी लगानी चाहिए, ये सामान्य सा नियम है, और बलार्ध का नियम है, जितना बल आपके अंदर है उसका आधा ही हमें व्यायाम करना चाहिए। तो दंडों के अभ्यास क्रम को हम आगे देखते हैं। एक श्वास में एक से अधिक यदि दंड लगाने हैं तो हम कैसे लगाते? एक ही श्वास भर, धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में तो एक श्वास में एक, फिर दूसरी श्वास में दूसरा, तीसरे श्वास में तीसरा, ऐसे करें। और यदि सामर्थ्य बढ़ जाएगा तो हम एक श्वास में एक कई सारे दंड भी लगा सकते हैं। ऐसे श्वास भर लिया,
एक श्वास में पांच दंड अभी हमने लगाए। अब हम दूसरे दंड की तरफ चलते हैं। पहला दंड का नाम है साधारण दंड, दूसरे दंड का नाम हम देखते हैं जिसका नाम है सर्प दंड। सांप से जैसे फन उठाता है इस प्रकार से इसमें तीन बार इस तरह से उठा जाता है आगे से। कैसे होगा? पूरा बल अपने भुजाओं पर, अपने हाथों पर लगाए, उंगलियों को आप फैला करके खोल सकते हैं ऐसे, उतने ही हाथ खोले जितना आपका सीना, जितना आपका वक्षस्थल चौड़ा है। श्वास पूरा भरे, अंदर रुके, वापिस आने, श्वास छोड़ दिया जाए, अच्छा लगेगा, अच्छा दंड लग जाएगा एक ही बार, फिर करते हैं। शुरुआत के लोग एक एक दो दो दंड पहले दिन करना, ऐसे नहीं कि पहले दिन ही बहुत सारे करना, दुखेगा शरीर। ये हमारा दंड संख्या दो जिसको हम सर्प दंड कहते हैं वह पूरा हुआ। शुरुआत में थकान होती है तो श्वास पूरा गहरा गहरा भरो, दंड के बाद बाहर भी गहरा सा छोड़ो। तीसरा वक्ष विकासक दंड, सीने को जो चौड़ा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बलवान और आकर्षक सुंदर पुष्ट बनाना चाहते हैं, चौड़ाई सीने की बढ़ाना चाहते वह वक्ष विकासक दंड करता है। बाकियों में भी होता है लेकिन वक्ष विकासक में हाथ इस प्रकार से रखे जाएंगे, जितना चौड़ा आपका सीना है उतना रखें। एक श्वास में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाएं, जरूरी नहीं आप हमारी तरह एक श्वास में 15 लगाएं, लेकिन जितना सामर्थ्य है उतना ही लगाएं, जबरदस्ती नहीं करना। ये 3-4 इसको हम कहते हैं वक्ष विकास। चार नंबर दंड जिसका नाम है राम मूर्ति दंड, ये एक पहलवान भारत में हुए थे उनके नाम से प्रसिद्ध दंड है। कैसे होगा? श्वास भर के धीरे धीरे जाए, दंड लगाए, धीरे धीरे स्लो मोशन से वापस है। कैसे? देखो, श्वास पूरा भरा, अंदर रोक लिया, राम मूर्ति दंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दंडों में, सारे दंडों में महत्वपूर्ण दंड है राम मूर्ति दंड। इसको राम मूर्ति जी बहुत बहुत बार लगाया करते थे और इतने मजबूत हो गए कि सुमो पहलवान को भी एक घूंसे में मारना। ब्रह्मचारी थे, प्राणायाम भी करते थे, कुश्ती भी लड़ते थे और दंड बैठक के भी लगाते थे। चले राम मूर्ति दंड को थोड़ा स्पीड से देखते हैं, मध्यम गति से देखते हैं। इसमें बल बहुत लगता है, सबसे ज्यादा दंडों में कब किसी में ताकत लगती है इसी में लगती है। ये पेशेंट्स के लिए नहीं है आज की अभ्यास, ध्यान रखना। कहीं आपको कोई समस्या शरीर में बहुत बड़ी हो रही हो, हार्ट की डिजीज या ब्लड प्रेशर या कुछ और बड़ी समस्या, उनको नहीं करना। ये युवा लोग जो अपने शरीर में बल अनुभव, शक्ति अनुभव करते, उनको करना। लोग कहते हैं हमारे दर्शक,
कि आप सारे बीमारों वाले कार्यक्रम लेके आते हो, हमारे अंदर तो बहुत ताकत है, हम कुछ बहुत ज्यादा करना चाहते हैं फिजिकल वर्कआउट, उनके लिए ये अभ्यास। अब हम हनुमान दंड का अभ्यास करते हैं। आज के सत्र में केवल दंड ही बताएंगे, बैठक के फिर हम आगे कभी बताएंगे। हनुमान दंड, श्वास पूरा भरें, एक दो तीन। कैसे होगा, इस पैर को इसी साइड वाले हाथ के ठीक पास में यूं लागे लगा देंगे नीचे, और दो में दंड लगाए ऊपर उठे, और तीन में श्वास बाहर और वापस। इसको जल्दी जल्दी भी ऐसे कर सकते हैं। इसको हनुमान दंड कहते हैं, द्रुत गति से हुए। एक है चक्रदंड, एक और बता देते हैं चक्रदंड। चक्रदंड कैसे होगा, देखो देखेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल है ना, कैसे करेंगे थोड़ा सा उसको देख लेते। ऐसे एक पैर को, राइट है या लेफ्ट कोई सा भी, एक पैर साइड में लिखा, ध्यान से धीरे धीरे देखें कैसे होगा। एक इस पैर को ऐसे चक्र बनाते हुए इस हाथ के पार, दूसरे हाथ के भी ऐसे पार, ऐसे गोल पीछे ले जाएं और दंड लगाएं दूसरे पैर को साइड से लगा, ऐसे एक दो गोल वापस, इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको द्रुत गति से करने की, मध्यम गति से करने की कोशिश करते हैं। इसमें स्थान काफी चाहिए होता है, थोड़ा स्थान का अभाव है, कैसे करते हैं देखते हैं। इसको साइड से कर लेते हैं। चक्रदंड, चक्रदंड के इस अभ्यास को हमने किया है, सीखा, समझा, अब इसको 5-7 बार कर भी लिया, 4-5 बार कर लिया। दंडों के अभ्यास के बाद अपने अपर पार्ट को, अपनी भुजाओं को, अपने कंधों को, सबको आराम आराम से धीरे धीरे सहलाएं, अपने पसीने को पहुंच डालें अच्छे प्रकार से, पूरे भुजाओं को, वक्ष स्थल, पेट, उदर, कमर, पीठ, कंधों की मांसपेशियां, पूरे शरीर को ऐसे सहला। फिर जब हम बैठकों का अभ्यास सीखेंगे, उसमें हम बैठकों के बाद ऐसे लोअर पार्ट के जंघाओं, पिंडलियों, पैरों आदि को ऐसे सहलाया करते। दंडों के अभ्यास के बाद अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते। श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें, जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर अंदर रोकें। इससे भी वक्षस्थल उन्नत होता है, सबल होता है। फिर राइट बंद करके लेफ्ट से बाहर, इस तरह से इस प्राणायाम को, और एक अनुलोम विलोम का अभ्यास है ऐसे। बहुत गहरा धीरे धीरे भरना, अभी तो मैं धीरे धीरे नहीं भर रहा, लेकिन इसको शांत भाव से आराम से बैठ के या तो दंडों से पहले लगा ले या दंडों के बाद, क्योंकि दंडों के बाद श्वास थोड़ी तेज चलती है, तो पहले सामान्य हो जाए। फिर इसके बाद आप शवासन में आराम भी कर सकते हैं,
जिससे कि आपका श्वास सामान्य हो जाएगा। गहरी गहरी श्वासें भरने छोड़ने से बिल्कुल सामान्य स्थिति बन जाएगी। फिर आप प्राणायाम करें या प्राणायाम पहले कर लें। यह अभ्यास नियमित रूप से यदि युवा लोग करेंगे, कितने दिन? रोज करना है। कितनी देर? 10-15 मिनट में सब हो जाएगा। इन 5-6 दंड बताए आपको, पहला साधारण, दूसरा सर्प, तीसरा वक्ष विकासक, चौथा राम मूर्ति, पांचवा हनुमान और छठा चक्रदंड। इन 6 दंडों में से आप किसी 6 को नहीं कर पा रहे, किसी 2-3 को कर लीजिए, 10-10 बार, 5-5 बार कर लीजिए। शुरुआत तो करो, शुरू करो। योग दिवस आने वाला है और ये संदेश दे रहा है कि हम योग यानी बल से जुड़ जाएं। योग का मतलब जुड़ना भी होता है ना, युज समाधौ, युज संयमने और युजिर योगी। जोड़ना का मतलब है शक्ति से जुड़ जाएं, और शक्ति युवाओं के भीतर तो बहुत होनी चाहिए। तो शक्ति का एक सुंदर सा उपाय आज हमने डिस्कस किया, देखा, प्रैक्टिकल इसका सेशन देखा, खाली थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी देखा। दंडों को करने वाला व्यक्ति पौष्टिक आहार को खाए, दूध को, घी को, सूखे मेवों को, सलाद को, इन चीज़ों को खाए, हरी सब्जियां खाए। अब वो व्यक्ति अगर सारा दिन या आए दिन अगर वो फास्ट फूड जंक फूड खा रहा है तो दंडों को लगाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आहार पर भी हमें पवित्रता रखनी चाहिए, अच्छे विचार, अच्छी पुस्तकें और अच्छी संगति, तब तो कुछ बल काम आएगा, स्वयं के, परिवार की, स्वयं की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अथवा स्वयं प्रभु दर्शन करने के लिए या बल को बढ़ाने के लिए, जो श्रेष्ठ कार्य व्यक्ति करना चाहता है उसके लिए। नहीं तो ये बल क्रोध में, अहंकार में, अन्यों पर अन्याय करने में, इसी में चला जाता है, क्योंकि पवित्र बुद्धि तो नहीं आई, सात्विक अन्न नहीं गया, तो सात्विक बुद्धि कभी जन्म नहीं लेगी। इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। आज के इस सत्र में युवाओं के लिए हमने बताया, आगे हम फिर से कल फिर मिलेंगे। तब तक आप करें योग, रहें निरोग, और इस पारंपरिक व्यायाम का अभ्यास युवा लोग जरूर करें, और जैसे करते हैं हमें बाद में अपने वीडियोस भी भेजें स्वामी न्यूज़ को, तो जिनके अच्छे अभ्यास होंगे उनको हम स्वामी न्यूज़ पर भी लाएंगे, और कितने दंड ज़्यादा लगा सकते हैं वो भी एक बार अपने सामर्थ्य को देख कर अपना वीडियो बनाकर भेजें, तो आपको इस सत्र में अवसर देंगे, युवाओं वाले सत्र में। जय हिंद, जय भारत।